A very warm good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today we will continue the English classes of class 6. So let's begin with the lesson 6. Who I am. तो इस लेसन में क्या है कि हर इंसान जो होता है ना उसकी अपनी पसंद होती है और वो हर टाइप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं. कोई भी ह्यूमन जो है वो सेम नहीं होता है. हर किसी के इंटरेस्ट अलग होते हैं, उसके जो रहने का तरीका है वो अलग होता है, उसके सोचने का तरीका अलग होता है और उसकी जो चीज़ों के प्रति जो मतलब अट्रैक्शन होती है वो भी अलग होती है. हर किसी को अलग चीज़ें पसंद होती हैं. तो इस लेसन में हम वही पढ़ेंगे कि कैसे जो है वो लोग एक दूसरे से भिन्न हैं. तो फर्स्ट है राधा. माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्री. तो राधा कहती है कि जो मुझे मेरी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है पेड़ पे चढ़ना. जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. मेरे घर के बाहर जो है वो एक मैंगो ट्री है जिसके ऊपर चढ़ना मुझे बहुत पसंद है. इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट सो इट इज सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री. इसकी जो टहनियाँ हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं इसलिए इस पर चढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. एंड आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन द फोर्क ऑफ टू ब्रांचेज. और मैं जो हूँ बहुत ही आराम से जो है वो टहनियों के बीच जो दो टहनियाँ हैं उनके बीच बैठ जाती हूँ. माई मदर टेल मी इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्रीज. मेरी जो माँ है वो कहती हैं कि लड़कियों के लिए पेड़ पे चढ़ना जो है वो एक सेंसिबल मतलब सेंसिबल नहीं होता है, अच्छा नहीं है. बट वन आफ्टरनून शी क्लाइंब अप टू एंड बोथ ऑफ अस सेट देयर टॉकिंग एंड ईटिंग रॉ मैंगो. लेकिन एक दिन वो भी जो थी मतलब जो राधा की माँ थी वो भी पेड़ पे चढ़ गई एक आफ्टरनून दोपहर के समय और दोनों जो थी वो वहाँ बैठ के आम खा रही थी. रॉ मैंगो होते हैं कच्चे आम खा रही थी. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the world, whole world. तो वो कहती कि जब मैं पेड़ के ऊपर चढ़ती हूँ तो मैं ऐसा फील करती हूँ कि मानो मैं जो हूँ वो इस पूरे संसार के ऊपर क्या कर रही हूँ, रूल कर रही हूँ, शासन कर रही हूँ. ठीक है. अब नेक्स्ट जो है वो आता है नासिर. नासिर कहता है When I am grow up, I want to become a seed collector. तो नासिर बोलता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जो हूँ वो सीड कलेक्टर बनना चाहूँगा. मतलब जो बीजों को कलेक्ट करते हैं, है ना, बीजों को इकट्ठा रखते हैं. वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज एंड एवरी ईयर माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट. तो वो बोलता है कि हमारे पास जो है वो कॉटन फील्ड्स हैं हमारे गाँव में और जो मेरे पापा हैं वो काफ़ी टाइम से जो है वो बहुत पैसे स्पेंड करते हैं उन बीज को खरीदने के लिए और कॉटन प्लांट को ग्रो करने के लिए. माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर एगो ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज ऑन प्लांट विच कुड बी शोन टू ग्रो न्यू प्लांट ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. फिर कहता है कि मेरे फादर ने मुझे कहा था कि बहुत साल पहले उन्होंने जो था वो सीड कलेक्ट करे थे अपने ही प्लांट से और वो उनको बो देते थे, मतलब प्लांट को बो देते ताकि नेक्स्ट ईयर वो अच्छा वहाँ पर प्लांट आ जाए. बट टुडे दैट डज नॉट वर्क सो वी हैव स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. फिर वो कहता है कि जैसा पहले होता था ना कि उसके दादा जो थे वो सीड कलेक्ट कर लेते थे लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है. हमें जो है वो काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं बीजों को खरीदने के लिए ही हर साल. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो. आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड सो दैट वी कैन यूज़ दैम अगेन एंड नोट स्पेंड मनी एवरी ईयर. फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं भी ये सीखूँ कि कैसे जो है वो इन सीड्स को जो बीज हैं इन्हें प्रिजर्व करना है और इन्हें प्रिजर्व करने के बाद हम जो है दोबारा इसको यूज़ कर सकें और हमें दोबारा जो है वो पैसे खर्च करने ना पड़े, मतलब हर साल हमें जो है वो बीज खरीदने के लिए पैसे खर्च ना करने पड़े. नेक्स्ट आता है रोहित. रोहित कहता है इफ़ आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल. रोहित कहता है कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे होते तो मैं सिर्फ घूमता, मतलब उसे ट्रैवल करना बहुत पसंद था. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन अ मैगजीन पिक्चर. अब रोहित ने क्या होता है ना कि मैगजीन पिक्चर में जो था वो न्यूजीलैंड के कुछ पहाड़ देख लिए होते हैं तो वो चाहता था कि वो उन्हें देखे. ठीक है. आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका. ठीक है. तो वो कहता है कि काश में जो साउथ अमेरिका में जो अमेजन रिवर है ना, जो सबसे बड़ी रिवर भी है आपके पानी के हिसाब से बिगेस्ट रिवर, तो वो कहता है कि मैं वहाँ पे जो वो सेल डाउन मतलब वहाँ पे वो नाव चला सकता है ना या फिर राफ्टिंग वहाँ पे कर सकता है ना. आई वॉन्ट टू
लिव ऑन द बीचेस ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी कॉरल। फिर वो कहता है कि काश मैं जो हूँ वो, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वो लक्षद्वीप की जो बीचेस हैं, जो समुद्र का किनारा है, वहाँ पे रहूँ और वहाँ पे जो कॉरल लीव्स है उसके नीचे डाइव करके उन्हें देखूँ। आई सपोज आई शुड गो टू द कोनार्क टेम्पल इन उड़ीसा और द ओल्ड सिटी इन बेल्जियम इन चाइना, नॉट इट्स नॉट बेल्जियम इट्स बीजिंग इन चाइना एंड द पिरामिड्स इन एजिप्ट टू। फिर वो कहता है कि काश मैं जो वो जो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है वहाँ पे जा पाता, चाइना की जो ओल्ड सिटी है बीजिंग वहाँ पे जा पाता और जो इजिप्ट के पिरामिड है वहाँ पे भी मैं जाता। बट वॉट आई एक्चुअली इंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। फिर वो कहता है कि मैं जो हूँ वो ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा जो हूँ ज़्यादातर मुझे जो नेचर है वो ज़्यादा, मैं नेचर को ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। फिर आ जाता है आपका सरबजीत। सरबजीत कहता है व्हाट मेक मी वेरी एंग्री इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रुथ। अब सरबजीत कहता है कि मुझे पता कब गुस्सा आता है, जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो उसके पीछे कारण है कि जब लोग मेरी बातों पे बिलीव ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते हैं, जब हम सच मैं सच बोल रहा हूँ और वो फिर भी विश्वास नहीं करते तो मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। फॉर एग्जाम्पल If I tell my teachers that I could do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it was not me but my little brother who started the fight. वो कहता है कि क्या होता है जब मैं टीचर्स को कहता हूँ कि मैंने तो अपना होमवर्क पूरा किया था लेकिन मैंने अपनी बुक जो थी वो रवि को दी थी और वो मेरी जो नोटबुक है उसे लाना ही भूल गया, वापस करना ही भूल गया, तो भी मुझे गुस्सा आता है जब टीचर बिलीव नहीं करते। और जब मैं अपने पेरेंट्स को कहता हूँ कि मैंने शुरू नहीं किया था, मेरे लिटिल ब्रदर जो मेरा छोटा भाई है उसने मेरे साथ फाइट करना स्टार्ट किया था लेकिन वो नहीं मानते हैं, तब भी मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट इवन इफ आई हैव गॉट बैड मार्क्स दे ऑल टुक एट मी एज इफ दे आई थिंक आई एम टेलिंग लाई। और फिर वो कहता है कि जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि रियली मैंने सच में ही पढ़ाई करी थी टेस्ट के लिए लेकिन मेरे फिर भी टेस्ट में बुरे मार्क्स आते हैं तो वो मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे मानो मैंने उनके साथ जो है वो झूठ बोला हो। द लुक ऑन देयर फेसिस रियली एंग्री मी, और उनके जो वो लुक देते हैं ना वो सच में ही मुझे उस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं सच बोल रहा हूँ फिर भी वो नहीं मानते हैं। Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. तो क्या कर मैं sometimes क्या करता हूँ कि जब वो मुझे ऐसे घूर के देख रहे होते हैं, ऐसे अजीब से लुक देते हैं, तो मैं भी नीचे जो हूँ अपने शूज़ की तरफ देखना शुरू कर देता हूँ और जो है वो काउंटिंग 10 तक गिनना शुरू कर देता हूँ, जिससे ये शो होता है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, या फिर मैं ये शो करता हूँ कि मुझे जो है वो गुस्सा नहीं आ रहा है, मैं गुस्से में नहीं हूँ। नेक्स्ट आती है डोलमा। ट्वेल्वा कहती है व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं जो हूँ वो भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट, लोग जो है मेरे ऊपर हंसते हैं जब मैं ऐसा कहती हूँ, बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट, पर वो कहती हूँ परंतु मुझे भरोसा है कि मैं ऐसा करूँगी। एवरीवन इन माय क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम, मेरी क्लास में हर कोई पूछता है कि हर कोई मुझसे ही पूछता है जब वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं। एंड माई टीचर्स ऑलवेज ट्रस्ट मी व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, और मेरे जो अध्यापक हैं वो भी मुझ पर विश्वास करते हैं जब स्कूल में कोई चीज़ हो रही होती है या उन्हें ज़रूरत होती है स्कूल में किसी चीज़ की। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरीथिंग, मैं जो हूँ वो मतलब हर चीज़ को जो हूँ वो मतलब मैं चीज़ों को बहुत अच्छी बनाना चाहती हूँ हर किसी के लिए। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल, मैं जो हूँ वो बहुत अच्छी हॉस्पिटल अस्पताल सड़कें और जो स्कूल है वो बनाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देयर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स ऑफ डिजीज एंड स्पेंड अ स्पेसशिप टू मार्स, मतलब मेरे देश में ऐसे बहुत सारे अच्छे साइंटिस्ट हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो आने वाले टाइम में डिजीज के लिए जो क्योर्स हैं, जो भी मतलब डिजीज के लिए जो भी वो कर सकते हैं, जो भी होती है ना दवाइयाँ बनाना या उसका देखभाल करना वो सब कर सकते हैं, और जो स्पेसशिप है मार्स में उसे भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, तो पीटर कहता है कि मेरा जो पसंदीदा दिन है वो है
जो सेकेंड संडे आता है ना सेट हर मंथ में, वो मेरा फेवरेट है। ऑन दिस डे अवर होल फैमिली ऑलवेज गो टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। वो कहता है कि इस दिन मेरी जो पूरा मेरा जो पूरा परिवार है वो सब जो है वो सिनेमा हॉल जाते हैं मूवीज़ देखने। माई फादर गेट्स द टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस। मेरे जो पापा हैं वो एडवांस में ही हम सब के लिए टिकट ले लेते हैं। माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर एंड आई टेक द बस। दो फिर वो कहता है कि मेरे जो मम्मी पापा हैं, वो जो मेरे ग्रैंड मदर हैं और मेरे जो टू ब्रदर्स हैं, हम सब जो हैं वो बस में वहाँ जाते हैं। इन द इंटरवल माई फादर बाइज अस पीनट्स एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म। तो मेरे पापा जो हैं वो इंटरवल में हमारे लिए पीनट्स ले आते हैं और मैं जो हूँ वो जो अंधेरे वाली सीट है उसमें बैठना पसंद करता हूँ हॉल में, और वहाँ पे जो पीनट्स है उसे भी खाता हूँ और साथ में मूवीज़ भी देखता रहता हूँ। आफ्टर वर्ड वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम। हम जो है वो उसके बाद क्या होता है कि हम जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। एवरीवन इज़ इन अ गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी दैट वी आर सच अ हैप्पी फैमिली। हर कोई जो है वो बहुत ही अच्छे मूड में होता है, सब बहुत ही अच्छा फील कर रहे होते हैं और हमें फील होता है कि हम सच में ही बहुत लकी हैं क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी फैमिली है। तो ये थी इस लेसन की ट्रांसलेशन, और इसी लेसन में हम सॉरी इसी क्लास में हम जो है वो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इसी लेसन के। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पीटर्स फेवरेट डे ऑफ द वीक इज संडे बिकॉज जो पीटर है उसका फेवरेट डे जो है वो संडे है, वो क्यों? ऑन दिस डे द होल फैमिली गोज टू सी अ फिल्म, क्योंकि इस दिन क्या होता है उसकी जो पूरी फैमिली है वो मूवीज़ देखने जाती है। नासिर वॉन्ट टू लर्न डैस, नासिर जो है वो क्या बनना पसंद करता है, मतलब क्या उसे पसंद है, वो क्या सीखना पसंद करता है? तो इसका आंसर है फोर आर्ट ऑफ कलेक्टिंग कॉटन सीड। वो जो है वो जो कॉटन सीड है उनको कलेक्ट करना जो है उसको सीखना चाहता है। वो ये सीखना चाहता है कि कैसे जो है वो जो कॉटन सीड है उन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोलमा बिलीव्स दैट सी कैन मेक अ गुड प्राइम मिनिस्टर बिकॉज। टोलमा को विश्वास होता है कि वो एक अच्छी प्राइम मिनिस्टर बनेगी, क्यों? क्योंकि शी होप्स टू मेक थिंग बेटर फॉर एवरी वन, क्योंकि उसको आशा होती है कि वो चीज़ें जो हैं वो सबके लिए सही करेंगी। टू हैव ग्रेट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, गुड हॉस्पिटल एंड रोड एंड स्कूल। वो जो है वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट डॉक्टर के लिए बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल और रोड और जो है वो स्कूल बनाएगी। तो इसकी इच्छा होती है कि जब प्राइम मिनिस्टर बनेगी तो वो ये सब करेगी। तो गाइस ये थे आज की क्लासेस। आई होप आपने इस क्लास को में जो स्टोरी था, जो बच्चों के थॉट्स थे, उन्हें पढ़ा होगा, अच्छे से इंजॉय करा होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।